अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाले। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये रील इंस्टा के रील पेजेस पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है। इसे एरिगेटो एक्स GTA ट्रेंड बोलते हैं। तो इसमें जो इफेक्ट होता है, स्टार्टिंग में हेलो किटी का एक इफेक्ट आएगा, बाद में GTA सैन एंड्रीज का एक इफेक्ट आएगा। तो ये इफेक्ट इस रील में कैसे लाते हैं और इसका यूज़ करके ये वीडियो कैसे बनाते हैं, रील कैसे बनाते हैं, तो इसका ट्यूटोरियल मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सब लोग को मैं आप एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सब लोग मुझे बाद में कमेंट में पूछते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड ऑडियो या सॉन्ग है वो कौन सा है। बहुत से लोगों को ये सॉन्ग का नाम पता नहीं होगा। तो अभी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है न्या अरिगाटो, ये इसका बैकग्राउंड ऑडियो है। ये एक चाइनीज़ वर्जन का सॉन्ग है, चाइनीज़ सॉन्ग है। तो ये इसका बैकग्राउंड सॉन्ग है, इसे आप यूट्यूब पर सर्च करके सुन सकते हो। तो इस इफेक्ट के साथ वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपका इंस्टाग्राम ओपन करना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपको राइट साइड में स्वाइप करना है। यहाँ पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। नीचे आपको बहुत सारे फिल्टर्स दिखेंगे, सब फिल्टर्स को आपको लेफ्ट साइड में स्वाइप करना है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्राउज इफेक्ट, उसमें आपको टैप करना है। उसके ऊपर टैप करने के बाद राइट हैंड साइड पे ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है अरिगेटो, आप स्पेलिंग देख लो ARIGATO, ये टाइप करके आपको सर्च करना है। यहाँ पे आपको बहुत से इफेक्ट आएंगे, इसमें से जिस पे मैं अभी टैप कर रहा हूँ ये जो दो इफेक्ट है, इसमें से आप कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। इफेक्ट को यूज़ करने के लिए कोई भी एक इफेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे एक डाउनवर्ड एरो का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है और वहाँ पे एक टिक मार्क आ जाएगा जिससे ये इफेक्ट जो है आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको एक एक्स मतलब क्रॉस का एक साइन दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके ऊपर टैप करोगे तो आपका जो स्टोरी का जो मोड है वो आपके मोबाइल में मतलब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टोरी का नीचे मोड दिख रहा है, उसके बाजू में आपको रील्स का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे स्टार्स दिखेंगे आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्स का एक सिंबल दिखेगा, तो स्टार्स के सिंबल के ऊपर आपको टैप करना है। स्टार्स के सिंबल के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे इफेक्ट लोड होंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट इफेक्ट रहेगा जो आपने अभी वहाँ से सेव किया था, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। उसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे एक डाउनवर्ड एरो का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उस डाउनवर्ड एरो के ऊपर आपको टैप करना है। वहाँ पे सेकंड लास्ट नीचे से ऑप्शन दिखेगा टाइमर, तो टाइमर के ऑप्शन में जाके जो भी 3-10 सेकंड का जो टाइमर आपको सेट करना है वो सेट करना है। उसके बाद सेट टाइमर के ऊपर आपको टैप करना है। इसके बाद आपको फ्रंट कैमरा ओपन करना है। फ्रंट कैमरा ओपन करने के बाद आपका मोबाइल आपको एक स्पेसिफिक पोजिशन में सेट कर देना है, और सेट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे जो सर्कल दिख रहा है जहाँ पे इफेक्ट का लोगो आया है, इसके ऊपर आपको सिर्फ एक बार टैप करना है। ये इफेक्ट अपने आप लोडिंग शुरू हो जाएगा, मतलब इसका काम कर देगा अपने आप, इस पर इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको कोई बैकग्राउंड ऑडियो ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑलरेडी इस इफेक्ट में ये सॉन्ग इंक्लूडेड है। तो हो जाने के बाद वो यहाँ पे आपको वो सर्कल के ऊपर फिर से टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे डाउनवर्ड एरो एक आपको राइट साइड पे एक एरो दिखेगा, उसके ऊपर फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी फिल्टर वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके बाद नीचे आपको फिर से एक फॉरवर्ड एरो दिखेगा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे कवर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आप कोई भी कवर सॉन्ग वीडियो में का सिलेक्ट कर सकते हो। या नीचे एक ऑप्शन दिखेगा आपको एयर फ्रॉम गैलरी, तो इसके ऊपर टैप करोगे तो आपका गैलरी में कोई दूसरा फोटो होगा तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पे आप कैप्शन का ऑप्शन आएगा, इसमें आप जो भी आपको कैप्शन ऐड करना है वो यहाँ से कर सकते हो। ये हो जाने के बाद नीचे आपको शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर के ऑप्शन पर जैसे आप टैप करोगे तो ये वीडियो आपके फीड पे पोस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड है इसका आप वीडियो बना सकते हो। इसमें कोई आपको बैकग्राउंड ऑडियो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इफेक्ट में ऑलरेडी ये सॉन्ग इंक्लूडेड है, तो आपको सिर्फ वीडियो बना के एज अ रील उसे अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से आप ये रील बना सकते हो। अगर आपको कोई और नया रील का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।